मम्मी जल्दी करो, लेट हो रहा है। जल्दी उठा करो फिर। जल्दी जल्दी मैं जाती हूँ। गरम है। लाओ मैं करती। मम्मी जी गैस खत्म हो गई, आगे का खाना कैसे बनेगा? चटोरियों को बाहर खाने का मौका मिल गया, भोजनालय में खा लेना आज। ओके। माँ तू भी आ जाओ ऑफिस में, अपना खाना ऑर्डर कर देना। हाँ तू चिंता मत कर। ए छोरियों, चार दिन माँ घर पे नहीं थी, किसी ने जगह की साफ सफाई ना की? के है लोगों की चप्पलों में इतनी धूल मिट्टी ना होगी जितने पूरे घर में फैला रखी है। जाड़े देख लो, घटा टोप बादलों की तरह छाए हुए हैं। मम्मी सॉरी, एक्चुअली ना मेरा प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, मैं भूल गई। सॉरी 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 मम्मी, अब निकल। लाओ मैं करती हूँ। दो ना मुझे, मैं कर देती हूँ ना। कुसुम कुसुम, अब तक नाराज हो क्या? कुछ बोलोगी भी नहीं? कुसुम बात तो करो। आज ऑफिस ना है? इतनी नाराज हो क्या? कुसुम देखती हूँ कब तक अपनी सहेली से नाराज रहती हो तुम। ना 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 ना, ना। सहेली ना, तू सहेली का रिश्ता ना निभा सके, तू समधन का रिश्ता निभा। देख मारी बात और है, मैं दोस्ती करूँ ना फिर मैं अपनापन दिखाऊं, फिर मैं हक जताऊं, और फिर थारा भला करते करते मैं अपनी हद भूल जाऊं, और तू सबके सामने मारे को मारी जगह दिखा चुकी है, मारे को मारी हद बता चुकी है, तो बस अब से तू और मैं समधने। तू मारी बिंदड़ी की माँ और मैं थारी बेटी की सास, याद रख। कुसुम मेरी बात तो सुनो, एक बार तो मेरी बात सुन। तभी ठीक है। कुसुम अब तक नाराज हूं, मान भी जाओ ना। अच्छा लाओ मैं करती हूं। खाना खाया क्या? जूही को मैंने फोन लगाया तो उसने कहा कि खाना नहीं खाया। दवाई ली? कुछ तो बोलो कुसुम। कुसुम मैं बात कर रही हूं तुमसे, कुछ बोलोगी नहीं? कुसुम अच्छा एक बात, कुसुम मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूं। एक मिनट, एक एक तुम्हें मुझसे लड़ना है ना, लड़ लो। कुछ सुनाना है तो सुना लो, मारना है पीटना है पीट लो मुझे, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। तुम्हारी चुप्पी से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी धमसी गई है। क्या तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो? वहां ऑफिस में केटी जी ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, मैं करूं तो क्या करूं, कैसे संभालूं अपने आप को? कहां है, कहां है कुसुम, कहां है कुसुम कुसुम कुसुम? अरे प्रीति साहब की अपनी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी की मालकिन हो, अपने फैसले आप खुद लो, मारी काय जरूरत है? और केटी साहब की भी काय जरूरत है? अरे रहने दो उनको चुपचाप, ना बात करें ना करन दो, काय हो गया? आप भी तो यही चाह रहे थे ना। ना ना देखो ये तो मैं अपने मन की कहूँ, थारे ऊपर कुछ भी ना लाद रही, तू तो अपने मन की करेगी। कहाँ है ना प्रीति साहब, लोग इंसानों में, लोगों के मन के अंदर भी ना इमोशन हुए, लोगों को भी दुख पहुंचे, तकलीफ हुए, आंसू गए। ऐसा नहीं हो सके ना कि जैसे आप चाहो वैसे हो, आप बोलो कि चाहिए बोल दो तो सब बोले, और जैसे आप बोलो कि ना कोई ना बात करेगा तो सब अपने मुंह में ऐसे जबान पे ताला जड़ दें, ना ऐसे ना हो सके। रीति जी आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था 24 घंटे वाला, आपने खुद उसकी बैटरी काट के ना ऐसे खिड़की के बाहर फेंक दी। अब खत्म, अब थारे पीछे कोई भी ना घूमने वाला। प्रीति पार्टनर प्रीति पार्टनर प्रीति पार्टनर, ना 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 किस्सा खत्म हो गया। अरे बड़े दोगले हो आप जी, एक दिन उन्होंने ढंग से बात नहीं की आपसे, आपको तो तकलीफ हो गई, आपसे तो संभाला नहीं जा रहा। उनकी सोची आपने, कैसी बेइज्जती की आपने उनकी, हाँ
बेटी साना इंसान है। आपका तकिया ना है वो जिसपे कभी मुंह छुपाया और रो दिए और फिर जब बहुत गुस्सा आया तो धाड़ 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 उसपे घूसे मार दिए। ना 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 ऐसा ना चले ना ना। कहा है ना प्रीति साहब, केटी साहब बहुत अच्छे इंसान है, पर आपको उनकी अच्छाई याद ना रही। आपको याद रही तो एक बात कि उन्होंने आपसे एक बात छिपाई जो उनकी गलती भी ना थी और आपने उनको सजा सुना दी। आपने फरमान जाहिर कर दिया कि अब तुम थारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो प्रीति साहब आप जाओ अपने रास्ते। तुम मेरी भी तो बात समझो, केटी जी ने झूठ बोला है मुझसे। अरे तू कम से कम अपने आप से तो सच बोल ले। थारे को गुस्सा जो आया ना वो केटी जी के झूठ पे ना आया। थारे को इस बात पे गुस्सा है कि थारे सासरे में ना जो थारी वो काय के छवि है ना बहुत संस्कारी भींदड़ी की, वो टूट गई हिल गई और इसका दोष भी तूने केटी साहब पे डाल दिया। जो थारे दामन में दाग लगा ना ये थारी लाडली भींदड़ी की वजह से हुआ, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकी। सारा गुस्सा निकाल दिया केटी जी पे। मारे को बोल, तू जाने कि थारे और केटी साहब के बीच में कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एकले केटी साहब पे ये दोष क्यों मड़ा? उनको सजा काहे दी? उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है कुसुम। तू कहां की चौधरानी बन गई कि थारे को आके सब कुछ बताएं? काहे रिश्ता है थारा और केटी साहब? एक बिजनेस पार्टनर हो ना, ढंग से दोस्ती भी नहीं है थारे लोगों की। तू तो ऐसे कर रही ना जैसे वो पत्नियां होवे, वो काहे प्रेमिकाएं होवे कि देखो मारे रहते किसी और ने ले आए। ऐसी बात तो ना थी। थारे तक उनके शादी की बात ना पहुंची वो एक गलत फहमी थी, इसमें उनका कोई दोष ना है। बात बाहर निकली तब तक माहौल अलग हो गया था। थारे सासरे में जो माहौल गरमाया वो थारे सासरे वालों की छोटी सोच की वजह से हुआ। मैं तो हमेशा सोचूं कि ये प्रीति अपने गए गुजरे रिश्ते काहे पालती रहे, काहे अपने छोरे ने ले ले नालायक छोरा तारा, उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए तूने काहे काहे ना किया। अपनी भींदड़ी को बचाने के लिए महिला मंडल के सामने आ गई। थारा पति, थारे पति ने कदे थारे से प्रेम ना किया, थारे को सम्मान ना दिया, लेकिन तू उसकी वजह से सारे अपने जो आसपास के रिश्तेदार हैं उसे अपने छाती से चिपटा के रखे उनको। प्रीति मैं थारे को बताऊं सच्ची बात, थारे को असली रिश्तों की कदर ना है, दोस्ती की कदर ना है थारे को। कारण थारे को आदत ही ना है ना कि कोई थारे आस पास घूमे, कोई थारी इच्छाओं को सामने रखे पहले रखे। ना 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 तो तू झट से तोड़ दे, थारे को समझना है वो सब। इसीलिए तूने केटी साजे से अच्छे दोस्त की पार्टनरशिप भी ऐसे तोड़ दी। अरे उनकी बात काय करूं, मेरी मारे को ले ले, तूने कैसे खट करके मारे साथ रिश्ता तोड़ दिया? तोड़ा ना तूने, मारे आगे हाथ छोड़ दिया ना उससे कि मारे लिए कोई फैसला नहीं लेना। कदे सोचा तूने कि मारी भाईली वो मारे भले के लिए सोचेगी? मारा अच्छा सोच रही, मारे को सुन तो लू उसकी बात, केटी साहब की बात सुन तो लू ना। तोड़ दिया ना रिश्ता तूने। मैं तारे को बताऊं थारी हालत का है? गरीब आदमी हो वे ना, इसको बादाम खिला दो ना पचे उसे, ना पचे बादाम। प्रीति साह थारे को दोस्ती ना पचे। थारे को ना प्रीति अपनी सीलन दिखाई दे उसका तो दुख समझे, किसी और के दरारों का दर्द थारे को ना समझ आए। रह स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।